आज पुणे मेट्रो रफ्तार भी बढ़ रही है और उसका विस्तार भी हो रहा है। पिछली सरकार को 8 साल में मेट्रो का एक पिलर भी खड़ा नहीं कर पाई थी। मुझे खुशी है कि इस मेमोरियल में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर, लाइब्रेरी और दूसरी जरूरी सुविधाओं का निर्माण भी किया जा रहा है। यहां जनसंख्या का दबाव भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। पुणे की बढ़ती जनसंख्या शहर की स्पीड को कम न करे बल्कि उसका सामर्थ्य बढ़ाए, इसके लिए हमें अभी से कदम उठाने की जरूरत है। यह तब होगा जब पुणे का पब्लिक ट्रांसपोर्ट आधुनिक होगा, यह तब होगा जब शहर का विस्तार तो हो लेकिन एक क्षेत्र की दूसरे से कनेक्टिविटी बेहतरीन रहे। आज महायुति की सरकार इसी सोच और अप्रोच के साथ दिन रात काम कर रही है। साथियों, पुणे की आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बहुत पहले से काम किए जाने की जरूरत थी। पुणे में मेट्रो जैसा एडवांस ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से बीते दशकों में हमारे देश के शहरी विकास में प्लानिंग और विजन दोनों का अभाव रहा। अगर कोई योजना चर्चा में आती भी थी तो उसकी फाइल ही कई कई वर्षों तक अटकी रहती थी। अगर कोई योजना बन भी गई तो भी एक एक प्रोजेक्ट कई कई दशकों तक लटका रहता था। उस पुराने वर्क कल्चर का बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश को, महाराष्ट्र को और पुणे को भी हुआ। आप याद करिए, पुणे में मेट्रो बनाने की बात सबसे पहले 2008 में शुरू हुई थी, लेकिन 2016 में इसकी आधारशिला तब रखी गई जब हमारी सरकार ने अड़चनों को हटाकर तेजी से निर्णय लेना शुरू किया। और आज देखिए, आज पुणे मेट्रो रफ्तार भी बढ़ रही है और उसका विस्तार भी हो रहा है। आज भी एक और हमने पुराने काम का लोकार्पण किया है तो साथ ही स्वार गेट से कात्रज लाइन का शिलान्यास भी किया है। इसी साल मार्च में मैंने रूबी हॉल क्लिनिक में क्लिनिक से रामवाड़ी तक मेट्रो सेवा का लोकार्पण भी किया था। 2016 से अब तक इन 7-8 वर्षों में पुणे मेट्रो का ये विस्तार, इतने रूट्स पर काम की ये प्रगति और नए शिलान्यास अगर पुरानी सोच और कार्य पद्धति होती तो इनमें से कोई भी काम पूरे नहीं हो पाते। पिछली सरकार तो 8 साल में मेट्रो का एक पिलर भी खड़ा नहीं कर पाई थी, जबकि हमारी सरकार ने पुणे में मेट्रो का आधुनिक नेटवर्क तैयार कर दिया है। साथियों,
राज्य की प्रगति के लिए विकास को प्राथमिकता देने वाली सरकार की निरंतरता जरूरी होती है। जब जब इसमें रुकावट आती है तो महाराष्ट्र को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। आप देखिए, मेट्रो से जुड़े प्रोजेक्ट हो, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हो, या किसानों के लिए सिंचाई से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम हो, डबल इंजन सरकार से पहले महाराष्ट्र के विकास के लिए जरूरी ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट्स डिलेल हो गए थे। इसी का एक और उदाहरण है बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया। हमारी सरकार के समय मेरे मित्र देवेंद्र जी ने ऑरिक सिटी की संकल्पना रखी थी। उन्होंने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर शिंद्रा बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया की नींव रखी थी। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इस पर काम होना था, लेकिन बीच में ये काम भी ठप हो गया था। अब शिंदे जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने उन अड़चनों को भी हटाने का काम किया है। आज यहां बिडकिन इंडस्ट्रियल नोड को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। छत्रपति संभाजी नगर में लगभग 8000 एकड़ में बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया का विस्तार होगा। कई बड़े बड़े उद्योगों के लिए यहां जमीन अलॉट हो गई है। इससे यहां हजारों करोड़ का निवेश आएगा। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। निवेश से नौकरी पैदा करने का ये मंत्र आज महाराष्ट्र में युवाओं की बड़ी ताकत बन रहा है। विकसित भारत के शिखर पर पहुंचने के लिए हमें कई पड़ाव पार करने हैं। भारत आधुनिक हो, भारत का मॉडर्नाइजेशन भी हो, लेकिन हमारे मूलभूत मूल्यों के आधार पर हो। भारत विकसित भी हो, विकास भी करे और विरासत को भी गर्व के साथ लेकर आगे बढ़े। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक हो और ये भारत की आवश्यकताओं और भारत की प्राथमिकताओं के आधार पर हो। भारत का समाज एक मन एक लक्ष्य के साथ तेज गति से आगे बढ़े। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमें आगे चलना ही है। महाराष्ट्र के लिए भी जितना जरूरी फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उतना ही जरूरी है कि विकास का लाभ हर वर्ग तक पहुंचे। ये तब होगा जब देश के विकास में हर वर्ग हर समाज की भागीदारी होगी। ये तब होगा जब विकसित भारत के संकल्प को नेतृत्व देश की महिलाएं करेंगी। समाज में बदलाव की जिम्मेदारी जब महिलाएं उठाती हैं तो क्या कुछ हो सकता है। महाराष्ट्र की धरती तो इसकी साक्षी रही है। इस धरती ने और इस धरती से सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं की शिक्षा के लिए इतना बड़ा आंदोलन शुरू किया था। यहां बहन बेटियों के लिए पहला स्कूल खोला गया था। इसकी स्मृति को
इस विरासत को संजोकर रखना जरूरी है। आज मैंने देश के उसी प्रथम गर्ल्स स्कूल में सावित्रीबाई फुले मेमोरियल की आधारशिला रखी है। मुझे खुशी है कि इस मेमोरियल में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर, लाइब्रेरी और दूसरी जरूरी सुविधाओं का निर्माण भी किया जा रहा है। ये मेमोरियल सामाजिक चेतना के उस जन आंदोलन की स्मृतियों को जीवंत करेगा। ये मेमोरियल हमारे समाज को, हमारी नई पीढ़ी को प्रेरणा देगा। भाइयों और बहनों, आजादी के पहले देश में जो सामाजिक हालात थे, जो गरीबी और भेदभाव था, उन हालातों में हमारी बेटियों के लिए शिक्षा बहुत मुश्किल थी। सावित्रीबाई फुले जैसी विभूतियों ने बेटियों के बंद शिक्षा के दरवाजों को खोला, लेकिन आजादी के बाद भी देश उस पुरानी मानसिकता से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ। कितने ही क्षेत्रों में पिछली सरकारों ने महिलाओं की एंट्री बंद करके रखी थी, स्कूलों में शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। इसके कारण स्कूल होने के बावजूद भी स्कूलों के दरवाजे बेटियों के लिए बंद थे। जैसे ही बच्चियां थोड़ी बड़ी होती थी, उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता था। सैनिक स्कूलों में तो बेटियों के एडमिशन पर रोक थी। सेना में ज्यादातर कार्यक्षेत्रों में महिलाओं की नियुक्ति पर रोक थी। इसी तरह कितनी ही महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान नौकरी छोड़नी पड़ती थी। हमने पुरानी सरकारों की उन पुरानी मानसिकताओं को बदला, पुरानी व्यवस्थाओं को बदला। हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। उसका सबसे बड़ा फायदा, देश की बेटियों को, हमारी माताओं बहनों को हुआ। उन्हें खुले में शौच से छुटकारा मिला। स्कूलों में बनाए गए शौचालयों के कारण और बेटियों के लिए अलग शौचालयों के कारण बेटियों का ड्रॉप आउट रेट कम हुआ। हमने आर्मी स्कूल के साथ साथ सेना में तमाम पदों को महिलाओं के लिए खोल दिया। हमने महिला सुरक्षा पर कड़े कानून बनाए और इस सब के साथ देश ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम के जरिए लोकतंत्र में महिलाओं के नेतृत्व की गारंटी भी दी है। साथियों, हमारी बेटियों के लिए जब हर क्षेत्र के दरवाजे खुले, तभी हमारे देश के विकास के असली दरवाजे खुल पाए।